अच्छा एक्टिंग नहीं अगर करती माहिरा और मोहित, अगर एक्टर नहीं होते तो क्या ऐसी चीज थी जो वो हो सकते थे? मतलब हम किस जॉब में इन लोगों को देख रहे हो? मैं तो जूनियर आर्टिस्ट होती एक्टिंग ही होती लेकिन होती एक्टिंग जूनियर आर्टिस्ट होती। अच्छा वाह थैंक यू। मतलब लाइक वो डांस भी करती जो पीछे हीरोइन के पीछे? नहीं नहीं एक्टर है ही नहीं, शो बिजनेस नहीं है। ओके अच्छा मेरी नानी कहती हैं एयर होस्टेस होती। हाँ एयर होस्टेस नहीं फिर ओ माय गॉड पता है तुमने इस वक्त क्या कहा है? नहीं मैं कहना नहीं चाहती, बाद में बताऊंगा। बट एयर होस्टेस नहीं नहीं। और मोहिब क्या होते? ये तो डॉक्टर होती। डॉक्टर डॉक्टर होती। पढ़ाई में इतनी अच्छी थी? नहीं पढ़ाई नहीं, मैं मुझे लोगों का मुझे अच्छा लगता है वो मरहम पट्टी एंड ऑल ऑफ दैट। नर्स होती ना, मतलब इतना पढ़ना पड़ता है डॉक्टर के लिए तो? नर्स नर्स के लिए भी पढ़ना पड़ता है। आई वुडंट माइंड बीइंग अ नर्स, रिस्पेक्ट। और आप क्या होते? पाकिस्तान में अगर वो प्रोफेशन होता तो बास्केटबॉल प्लेयर होता। ओहो ओहो। अच्छा पहली कमाई किस उम्र में थी? 17 साल। 17 साल। और माहिरा आप तो आपकी भी इतनी थी? 16 साल। माहिरा ने बाहर जाके पोछे शोचे सब लगाए हैं तो मैंने सुना है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही। अगर कोई पूछे ना स्ट्रगल तो आप बता सकते हैं कि सही हमने स्ट्रगल? आपको ना ये चीजें इंसान बना देती है ना, बिल्कुल न्यूट्रल कर देती और है, आपको इंसान बनाए रखती हैं। Exactly. अगर आपको याद रहे तो इट एक्चुअली कॉन्स्टेंटली ब्रिंग्स यू बैक टू एग्जैक्टली, मतलब yeah. आपको ग्राउंडेड भी रखती है ना? Exactly. कि आपने हर चीज जान के, अम्माएं मतलब मेरी अम्मा ने मुझे जान के बस में सफर कराया G7H उसकी वजह से जो है अपनी औकात में रहते हैं हम लोग। औकात से ज्यादा नहीं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आई थिंक भूल जाते हैं कि जो जो भी इंसान जिस इंसान से भी आप मिलते हैं वो अपनी जॉब कर रहे हैं। हाँ। सही। और हम अपनी जॉब कर रहे हैं। हाँ। मेरी जॉब आपकी जॉब से बड़ी नहीं है और ना इनकी जॉब मतलब जॉब से बड़ी है। है उन लोगों की जॉब भी करना जो दूसरा काम कर रहे हैं। जॉब इज अ जॉब। अच्छा कैसे कैसे देखो होता है ना, किसी ना किसी की कोई सोर्स मिलती है तो जाके आप शो बिजनेस में आते हैं। मोहिब कैसे आया शो बिजनेस? कौन था वो जिसका हाथ पकड़ के आ गया? बिल्कुल भी कोई सोर्स नहीं थी। कोई सोर्स नहीं थी और आज तक नहीं है। अच्छा थिएटर प्ले एक लिखा था अपनी फीस करने के लिए। हाँ। वो खालिद अहमद साहब ने देखा। ओके। इंडस नया नया आ रहा था। हाँ। तो पहला सीरियल बन रहा था, उसका नाम था फैसला। अच्छा। मेरे जो प्ले हम कर रहे थे उसमें मैं और अदील दो मेरे दोस्त मैं और अदील और बहुत सारे लोग थे। हाँ। तो हम लोगों को दोनों को उन्होंने कहा कि तुम दोनों ऑडिशन दोगे। अच्छा। हम ऑडिशन देने गए, हम फेल हो गए, वो सिलेक्ट हो गए। अदील उनके अब्बा ने मना कर दिया। तो खालिद साहब ने कहा तुम आ जाओ। ये देख कोई सोर्स नहीं है। अब 3 एपिसोड की तो हीरोइन थी निदा काज़मी। ओके तो निदा ने कहा यार तुम तो ठीक एक्टर हो, तुम हमारी अम्मी जो है वो कास्टिंग कर रही, तो तुम फलाना फलाना दिन जो है ना आना। मैंने मुझे नहीं आज जाना आता भाई, पीटीवी कैसे जाना होता, तो मेरे घर आ जाना ऋषि, अगर याद हो तुम जो याद होगा आदर्श अयाज जो एक वाहिद एक्टर जिसको बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला था पाकिस्तान में बाय द वे। सो ऋषि निदा मैं और पीटीवी पहुंचे। अब मैं कॉरिडोर में जा रहा हूँ आपके अब्बा के नाम और लोगों के डायरेक्टर्स के नाम देख रहा हूँ, लकड़ी का कॉरिडोर और उसमें एक्टर्स की तस्वीरें तलत हुसैन और ये तस्वीरें, तो यूं हो गया कि मैं कहाँ आ गया। और सामने दरवाजा है उस पे गोल्डन लिखा हुआ है सायरा काज़मी और डोर खुला है और कौन बैठा उस वक्त, इमेजिन कौन बैठा हुआ है? कौन? सायरा काज़मी, अदनान सिद्दीकी, सानिया सईद, साजिदा सैयद, आगा जाफर, सब याद है मुझे। जी जी कोई भूलने वाली चीज़? मैं यूं देख रहा हूँ, मैंने कहा मैं कहाँ आ गया? नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी इंट्रोडक्शन हुआ जो भी हुआ, उन्होंने कहा हाँ स्क्रिप्ट बेटा तुम पढ़ना वहाँ बैठ के। अब मुझे थिएटर करने की आदत हाँ। रट लिया मैंने, वो एपिसोड पढ़ रहे थे, रीडिंग हो रही थी। ओके। और ये किसकी रीडिंग हो रही थी? निदा का पहला ड्रामा था। मेरा पहला निदा का पहला नहीं था। नहीं निदा ने तो टेलीफिल्म की थी, सीरियल निदा की पहली थी। निजात आई थिंक उससे पहले नहीं। हाँ निजात लेटर था, राइट। जेबुनिसा उसका मेन, उस जमाने की चीजें मुझे भी बड़ी याद है। सो उन्होंने अपनी एपिसोड खत्म की, कोई 30 मिनट्स 40 मिनट्स में रीडिंग पूरी कर ली। वो अदनान से चिक चिक चल रही सारा जी की के, ना ना नहीं इस तरह नहीं यार तलफ़ुज़ गलत वाला ये होता रहा। चलो अब मैं बिल्कुल यूं बैठा हूँ, उन्होंने कहा हाँ तुम ये सीन इस लड़की के साथ जरा पढ़ लो।
अब मुझे पढ़ना आता ही नहीं, पता नहीं कि रीड कैसे करते हैं क्या. मुझे एक्ट करना आता तो मैं खड़े होके टेबल प्रॉप्स चीजें ये वो पूरा सीन मूव्स बना के पूरा कर दिया. चलो भाई तो सारा मैंने हाथ मारा टेबल पे जोर से और अदनान को कमबख्त देख ऐसे करते हैं रीडिंग. अदनान क्या अदनान स्टूड अप एंड यू नो गले लगाया. उसके बाद दैट्स हाउ इट बिगन. ओह ग्रेट.